मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कत होने के योग बन रहे हैं, इसलिए शुरुआत से ही नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। केतु की पांचवें भाव में मौजूदगी होने से अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैरकानूनी निवेश में लगाने से बचें। चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आंकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे, इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। धन्यवाद।